खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। बता दें कि बगदरा चौकी के दो आरक्षकों को हटाने की मांग हुई तेज, चौकी में दलालों का लगता था जमघट, चौकी प्रभारी पर भी कार्रवाई, दलाल वहीं दिख रहे हैं मायूस। बगदरा चौकी के दो चर्चित आरक्षकों को हटाने की मांग तेज हो गई है। बगदरा अंचल के कई ग्रामीणों ने दर्जनों दोनों आरक्षकों की कार्यप्रणाली से काफी खफा है। वहीं अब भोले भाले आदिवासी ग्रामीण एसपी का ध्यान इस ओर आकर्षित करा रहे हैं। बता दें कि बगदरा चौकी प्रभारी को लाइन अटैच किए जाने के बाद दलालों के चेहरे लटक गए हैं और उन्हें काफी झटका लगा है। गढ़वा थाना क्षेत्र के बगदरा पुलिस चौकी करीब 9 महीने से सुर्खियों में बनी हुई थी। बता दें कि आरोप है कि पुलिस चौकी में दलालों का बोलबाला था कि इन्हीं दलालों के माध्यम से अधिकांश प्रकरणों में वारे न्यारे भी होए जाया करते थे। पिछले माह वन्य प्राणी का शिकार करने आए दो आरोपियों को रातों रात बख्श देना चर्चा का विषय बना हुआ था। बता दें कि यह भी आरोप है कि चौकी में दलालों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आती थी। इस चौकी के दो आरक्षकों की कार्यप्रणाली से गरीब आदिवासी और आम जनमानस त्रस्त हो चुके हैं। आरोप लग रहा है कि खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर बेगुनाहों को भी चौकी के अंदर बैठाने में पीछे नहीं हटते थे। सक्रिय दलाल जिन पर आंखों आंखों में इशारा कर दे, ऐसे व्यक्तियों पर पुलिस आंख तरने लगती थी। चौकी प्रभारी अपनी कारगुजारियों के चलते चर्चाओं में थे। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने शिकायतों के आधार पर एसडीओपी के जांच प्रतिवेदन के उपरांत बगदरा चौकी प्रभारी अरुण सिंह को लाइन अटैच कर दिया। एसपी के इस कार्रवाई से बगदरा आंचल में पहली बार अधिकांश लोगों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार की शाम से ही सोशल मीडिया में एसपी के द्वारा की गई कार्रवाई की तारीफ की जा रही है।